तो मैं नाम गौरव और आप देख रहे हैं कट्टाज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाए नींबू का अचार और नींबू का निमकी। ये रेसिपी आपको मेरी मम्मी बताएगी। मेरी मम्मी ने ये रेसिपी मेरी मम्मी की मम्मी से सीखी थी, यानी मेरी नानी की। तो अब ज़्यादा देर ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी रेसिपी आपको मेरी मम्मी बताएगी। मम्मी नमस्ते। हमने 60 नींबू लिए हैं, जिसमें से जो बेदाग और चिकने नींबू है उसे निमकी के लिए रखेंगे और जो थोड़े दाग धब्बे वाले हैं उसे खट्टा मीठा अचार के लिए। तो हम पहले छाट लेंगे नींबू को। अब इसमें से 35 नींबू अच्छे निकले जो हमने निमकी के लिए रखे, और 25 नींबू जो थोड़े दाग धब्बे वाले थे वो अचार के लिए, खट्टे मीठे अचार के लिए। अब देखते हैं, पहले इसे हम अच्छी तरह से पानी में धो लेंगे ताकि इसकी जो ऊपर गंदगी हो वो सब निकल जाए। फिर उसे किसी पत्थर, अगर आपके घर में सिलवट हो तो सिल्वर पर भी घिस सकते हैं, वरना बाहर से छोटे से पत्थर ला कर उस पर भी हम लोग घिस करके चिकना कर सकते हैं। फिर छिलके को अच्छी तरह से घिस करके हटा लेना है ताकि निमकी में कड़वापन ना आए। जैसे एक एक करके सारे नींबू को घिस लेना है। ये थोड़े मेहनत के काम है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मेहनत भी, लेकिन खाने में घिसने के बाद से फिर वो टेस्टी हो जाता है कड़वापन निकल जाने से। सारे नींबू घिस जाने के बाद उसे फिर एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि सारे जो नींबू अच्छी तरह से धो गए हैं, इसे पानी सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और नींबू देखिए पूरी अच्छी तरह से घिसा गया है, साफ भी हो गया है। दूसरे जो नींबू हमने छाट के रखे थे थोड़े दाग धब्बे वाले, उसे हम खट्टा मीठा अचार बना लेंगे। खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए नींबू को 8 भाग में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे 4 भाग में भी काट सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में काट लेने से खाने समय आसान रहता है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटा टुकड़ा ही खाने के लिए ले सकते हैं, जल्दी गल भी जाते हैं। इस तरह से सभी नींबू को काट लेंगे। सभी नींबू कट कर तैयार है। पहले जो हमने नींबू धोकर रखे थे, घिस कर धोकर रखे थे, उसे एक कांच के जार में डाल देंगे कांच के जार में ही डालना है। दूसरे जार में डालने पर नींबू खराब होने का डर रहेगा, क्योंकि इसे नमक डालकर धूप में पकाना होता है। दूसरे बर्तन में करेंगे तो उसके रिएक्शन होने का डर रहेगा, क्योंकि नींबू खट्टे होते हैं।
अब हम 400 ग्राम लगभग नमक लिए हैं, जिसमें से 250 ग्राम निमकी के लिए और 150 ग्राम खट्टे मीठे अचार के लिए। सभी नींबू एक साथ तो बैठे नहीं हैं, लेकिन जब गल जाएंगे नींबू तो वो भी नींबू इसमें आ जाएंगे। खट्टे मीठे अचार के लिए बाकी के 150 ग्राम बचे नमक उसमें डालकर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से लगभग मिक्स हो गए हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे आप चाहे तो काट के बर्तन में भी रख सकते हैं और धूप में रखने के पहले इसे अच्छी तरह से ढक देंगे। एक सप्ताह इसे धूप में रखना है। खट्टा मीठा अचार के लिए चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए आधा किलो गुड़ और 250 ग्राम चीनी अंदाज से ले लेंगे। दोनों को एक कप पानी डालकर चाशनी तैयार करेंगे। ये देखिए एक सप्ताह धूप में रहने के बाद अच्छी तरह से गल गए हैं। ये चाशनी में डालने के लिए तैयार है। चाशनी में थोड़ा गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के लिए थोड़ा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाहे तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ये अदरक भी हम लोग डाल सकते हैं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा अचार है। मैंने इसको खा के देखा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी था। मम्मी मुझे अब से टिफिन में यही अचार देना हर बार। इसको पराठे के साथ खाने में भी बहुत मजा आता है और नमकी भी बहुत। ये नमकी इतने ज्यादा गल गए हैं कि फट गए हैं गलकर खुद से। मम्मी ये नींबू तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसे दिख रही है। इसमें बहुत सॉफ्ट होंगे ये खाने में भी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और जाके आपके दोस्त भी ये वीडियो रेसिपी जान सके तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग की सारी वीडियोस देखने के लिए और बेल आइकन को भी दबाएगा हम लोग की सबसे लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से जल्दी देखने के लिए। और दोस्तों आप इसको ज़रूर बनाएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखने जाके मैं मम्मी से पूछकर नानी से पूछकर वो वीडियो के बारे में आपको बता सकूँ दिखा सकूँ। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने यूज़ किए हैं और कैसे कैसे यूज़ किए हैं। थैंक यू।